हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, जिसमें पूछा गया है कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है, यानी कौन सा है, कहाँ है ये नहीं पूछा आपसे, स्थान नहीं पूछा है आपसे, कौन सा ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा कि चार बाग शैली का जो प्रथम मकबरा बनवाया गया था वो हुमायूं मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा है वो चार बाग शैली पर आधारित है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पित्रादुरा का आरंभ किसने किया, इसमें पूछ रहा है कि पित्रादुरा का आरंभ किसने किया। ऑप्शन आपके पास जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो पित्रादुरा का आरंभ करवाया था वो जहांगीर ने करवाया था, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, मुझे चूने पर से क्लोरीन, मुझे चूने पर से ऑक्सीजन, मुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड या मुझे चूने पर से क्लोरीन, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो मुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है, यानी जो बुझा चूना होता है उसे जब हम क्लोरीन गुजारते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर आपका जनरेट होता है, तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछना है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, यानी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें कौन सी गैस निकली थी जिसकी वजह से ये घटना हुई थी। ऑप्शन आपके पास सोडियम आइसोथायोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट या मेथिल आइसोथायोसाइनेट, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ का जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी मेथिल आइसोथायोसाइनेट, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, शिमला में, कोलकाता में, लखनऊ में या बेंगलुरु में, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है वो आपका कोलकाता में स्थित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, मालवा के पठार, छोटा नागपुर के पठार, पूर्वी पहाड़ियां या कोरोमंडल तट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछा गया कि किसे प्रकृति का रडार माना जाता है, दरियाई घोड़े को, कबूतर को, गिद्ध को या उल्लू को, तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दरियाई घोड़ा जो होता है उसे प्रकृति का रडार माना जाता है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, ऑप्शन आपके पास बंबई विश्वविद्यालय आयोग ने, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग ने, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो एजुकेशन का 10+2+3 पैटर्न है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सन 1917 से 1919 के बीच में दिया गया था, सुझाव उन्होंने ही दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। फिर आपसे पूछा है कि तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी, यानी जो महावीर थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, लास्ट तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, तो उनकी माता का नाम आपसे पूछा है कि उनकी माता का नाम क्या था, ऑप्शन आपके पास यशोदा, त्रिशिला, चमेली या महामाया, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि जो तीर्थंकर महावीर स्वामी थे उनका उनकी माता का नाम था त्रिशला, तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है कि संतुलन कीमत वह कीमत होती है जो, यानी जब संतुलन कीमत हम किसे कहेंगे, पूर्ति मांग से अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो या पूर्ति और मांग दोनों बराबर हो, यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जब प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलन कीमत कहते हैं, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई, और आपको कमेंट करके बताना है कि किनके बीच में हुई थी, तो फिलहाल आपको सन बताना है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में,
1761 ईस्वी में या 1776 ईस्वी में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1761 ईस्वी में, कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। अगर पूछ रहे था टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 ईस्वी में हुई थी, कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास मैसूर में, कुर्ग में, श्री रंगापट्टम में या वंडीनाश में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो 1799 ईस्वी में श्री रंगापट्टम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद भवन स्थित है कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में या आगरा में। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में, कि आनंद भवन इलाहाबाद में आपका स्थित है। सभी लोगों को, मोस्टली लोगों को पता ही होगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि पारसी धर्मावलंबी का पूजा स्थल, यानी जो पारसी लोग, जो पारसी लोग हैं जो पारसी धर्म को मानते हैं, उनका पूजा स्थल कौन सा है, सिनानाग, अग्नि मंदिर, विहार या मजार। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो पारसी लोगों का, यानी पारसी धर्म जो लोग मानते हैं, उनका पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, अन्ना चांटी, लीला सेठ, फातिमा बीबी या कार्नेलिया सोराबजी। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जो लीला सेठ थी वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त तो होने वाली प्रथम महिला थी। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि अब तक भारतीय रुपये का कितने बार अवमूल्यन किया जा चुका है, यानी जो भारतीय रुपये को अवमूल्यन है वो अभी तक कितनी बार हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तीन बार, यानी भारतीय रुपये का तीन बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, यानी घनी खेती जो प्रचलित है वो कहाँ प्रचलित है, चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है आपकी जापान में। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका राइट ऑप्शन है कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध धर्म के लिए भी प्रचलित है, जैन धर्म के लिए भी तीर्थ स्थल है। तो दोनों धर्म के लिए तीर्थ स्थल कौन सा है उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, पुणे में, अन्नामलाई में, जोधपुर में या नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन क्या है इसका, नई दिल्ली में। प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजातशत्रु का। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। सॉरी, घनानंद क्या थे, नंदवंश के अंतिम राजा थे, और इन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा यानी घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर पूछ रहा है कि अमरनाथ गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, सी सही हो जाएगा, कि जो अमरनाथ गुफा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर पूछ रहा है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को, ब्राह्मणी को, वैतरणी को या दामोदर को। कमेंट करके आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये कमेंट करके बताना है। और इसका राइट आंसर अभी बताइए कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को। यहाँ आपका बी सही हो जाएगा, कि जो ब्राह्मणी नदी है उस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से
त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, यानी अगर किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे, तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उपसभापति को वो अपना इस्तीफा देगा। तो यह सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद या कबीर ने? राइट ऑप्शन क्या है इसका? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने चलाया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं, यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो वेतन होते हैं और जो भत्ते होते हैं वो कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि या संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो क्या होता है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संसाधनों को मानना होगा, या वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास 1950 ईस्वी में KM मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 ईस्वी में BG खेर की अध्यक्षता में, 1960 में AMC छागला की अध्यक्षता में, या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बीजी तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है, यानी इन चारों में से किस वर्ष को सबसे इन तीनों वर्षों की अपेक्षा सबसे गर्म माना गया है, यानी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी होगी? 2006, 2008, 2009 या 2010? यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि 6, 8, 9 की अपेक्षा 2010 में सबसे अधिक गर्मी थी, यानी इन तीनों की अपेक्षा ये सबसे अधिक गर्म वर्ष था। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनामाता रोग से, ब्लैक फुट रोग, डिस्लेक्सिया या इतई इतई? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कैडमियम प्रदूषण किससे रिलेटेड है? इतई इतई से। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़ या कालीबंगन? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था वो आपका मोहनजोदाड़ो में पाया गया था, और अन्नागार भी मोहनजोदाड़ो में ही मिला था। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉकरेल ने, ब्रिगेट ने, ओटिस ने या फ्रैंक विटले ने? यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिगेट। हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था वो ब्रिगेट ने किया था। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद पूछ रहा है कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं किस पीढ़ी के? तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, पांचवी की या छठी पीढ़ी के? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है वो चौथी पीढ़ी के हैं। यहाँ बी ऑप्शन सही है। उससे बाद पूछ रहा है कि सबसे घना आबाद सार्क देश है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बांग्लादेश। सबसे घना आबाद सार्क देश है आपका बांग्लादेश। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, यानी इन चारों में से किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता, यानी अकबर का जो अकबर का मानना था कि हमारी प्रभुता एक्सेप्ट कर लो, तो अकबर की प्रभुता को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ऐसा कौन सा राज्य था?
आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि मराठों एवं अफगानों की मनसबदारी प्रथा में शामिल होने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन आपके पास जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मराठा में अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपके आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पिछड़े वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग से संबंधित है। इसके बाद पूछ रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी हम रिपीट कर चुके हैं, वो भी किसमें? जियोग्राफी की सीरीज जो चल रही है उसमें हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। ये पूछ रहा है कि प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या नदियों को? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ये भी हम जियोग्राफी सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्षोभ मंडल। वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, यानी क्षोभ मंडल के कारण होते हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उससे बात पूछा कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोट निम्नलिखित में से किस एक से बना है? यानी जो मेंटल के नीचे क्रोट परत है वो किससे बनी हुई है? एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लौह से या सिलिकॉन से? यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे जो क्रोट पाई जाती है वो किससे बनी हुई है? लौह से बना हुआ है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी अवध में जो एका आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जो यहाँ ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा कि सरकार को लगान देना बंद करना अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? यासुद्दीन बर्बन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगी कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? ऑप्शन आपके पास जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन या महावत खां का विद्रोह? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि महावत खां का जो विद्रोह था वो शाहजहां के समय में नहीं हुआ था, बाकी की जो घटनाएं हैं वो शाहजहां के टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संक्रमित है? 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो विश्व की 50% जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच संक्रमित है। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है, किस पे निर्भर है? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर? तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं आपकी वो आपकी सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? सी नंबर, कि तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां मैंने कई सारे वीडियोस बताए हुए हैं, पूरी कंप्लीट आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी किसकी, बीएड प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज की, आप देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में अच्छे नंबर गेट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।